राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल रामकथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राम का वन गमन भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि राजा दशरथ ने जब राम को राजा बनाने की घोषणा की तो रानी कैकेयी ने दो वरदान मांग लिए। पहला वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा वरदान भरत को राज सिंहासन। दशरथ दुखी होकर वरदान देने के लिए मान जाते हैं। राम को जब ये सब पता चलता है तो वो वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे सब ओर दुख की लहर दौड़ जाती है। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी। माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया, कहा, प्रिय तुम निराश मत होना। स्वामी, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। सीते, अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वो भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाएं, अयोध्या में रहें। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, स्वामी, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयां कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, ये समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थीं, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थीं, लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी
कि राम सीता वन न जाएं, वे उन्हें रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। राम सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। स्वामी, तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकई को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सब का हवाला दिया। कैकई अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, पिताश्री, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूं, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूं पुत्र, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। पिताश्री, ये राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा पुत्र। पिताश्री, पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। पिताश्री, आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और ना बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहां कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष,
महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम ये दृश्य देखकर विचलित हो गए। भावुक भी, उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हांकने को कहा ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें कड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। ये भी होगा सही है। राम, राम। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए, श्रृंग वेरपुर गांव में। निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया, गुह राज के अतिथि के रूप में। वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वो कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण
त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। बाल राम कथा इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार नीरज शर्मा, मंजू मैनी, राम मैनी, गीता वर्मा, शारदा गुप्ता, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।